यहाँ पर एक मॉडल दिखा रहे हैं सर, जो है बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। चलिए सर, इसमें क्या क्या दिखाएंगे, कौन प्रस्तुतिकरण करेंगे? ये जो है महिलाएं सर है, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक, ये इस मॉडल के बारे में बताने वाले हैं और ये बहुत ही उपयोगी है, देख सकते हैं। और विभिन्न प्रकार के मॉडल यहाँ पर बना हुआ है। ये है मॉडल, ये अ से अनार, पूरा वर्णमाला यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना? इसमें केवल स्वर है कि और दोनों है? इसमें पूरा आप बच्चों को स्वर माला, वर्णमाला और अक्षर दोनों सिखा सकते हैं। जैसे अनार है और ये चित्रकारी भी हुआ है, आ से आम। और सर, इसको पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ाएंगे बता दो आप। पढ़ाते समय जैसे बच्चों को बुलाएंगे तो देखिए सर, इसमें बच्चों को हम बुलाएंगे या पूरे कक्षा में सारे बच्चे रहेंगे तो उसको इस स्लाइड की मदद से हम उसको बता सकते हैं आ से आम, और आम कैसा होता है, ऐसा होता है चित्र। आम का इसमें कलर बता सकते हैं, उसका शेप बता सकते हैं, और इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, एक ई से इमली, ई से बनने वाला शब्द है इमली, और इमली का चित्र ये ई से ईक है, और इसके बाद उसे उल्लू उल्लू है। हाँ, उसके बाद हम बच्चों को पूछ सकते हैं इसके बाद क्या आता है। हाँ, आगे पीछे। हाँ, उल्लू के बाद उसे ऊन। हाँ, तो ये ऊन कैसा होता है, तो देखिए चित्र की मदद से हम बता सकते हैं कि ऊन ऐसा होता है, और किससे बनता है, बड़ा ऊन। हाँ, आगे की जो वर्ण है उसको भी हम इसकी मदद से बता सकते हैं। हाँ, इसे एड़ी, ऐसे ऐनक, ऐनक वो से उखली, ये सभी प्रकार औरत, और अम से अंगूर, ये चित्रकारी बहुत सुंदर है। स्वर के बाद अब व्यंजन है, वर्णमाला के व्यंजन, इसी तरह से हम अब व्यंजन की ओर चलते हैं। क से कबूतर, ये हम देख सकते हैं क से कबूतर का चित्र, जो घास के ऊपर बैठा हुआ है। इसके बाद क से खरगोश, गाजर खाते हुए, और ये ग से गमला, घ से घर। चलो, इसके बाद हम इसी तरह से हम साड़ी, इसमें ये पूछना है सर, जैसे ये मॉडल बनाया हो, है ना, आप बनाए हो ना? हाँ सर, ठीक है। तो ये मॉडल किसको ध्यान में रख के बनाए हैं? ये स्वर और व्यंजन बच्चों को बहुत कम समय में और रोमांचक तरीके से हम बच्चों को बताए, सिखाने के उद्देश्य से इसको बनाया गया। ठीक। और सर एक बात और पूछना था, इसमें हम अक्षर को शब्द बनाना भी बना सकते हैं क्या इसमें? हाँ सर, बिल्कुल बना सकते हैं। अगर ये तो है स्वर और व्यंजन, इसमें अगर हम शब्द अगर बनाना चाहें, शब्द को इसमें अगर हम पहले इसको सेट कर दें, उसमें तीन स्लाइड चलाना पड़ेगा, एक का तीन स्लाइड से अक्षर बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तीन बना सकते हैं, दो बना सकते हैं, दो बना सकते हैं, दो अक्षर के लिए दो दो करके। हाँ हाँ, तो दो स्लाइड चलाना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, इसको थोड़ा सा बड़ा करना। हाँ, बड़ा करेंगे और उसको घुमाने का अलग अलग जगह रहेगा। हाँ, तो वो थोड़ा बेनिफिट अच्छा रहेगा। तो वैसा हम मैथ्स का भी बना सकते हैं, जोड़ना घटाना। तो ये मॉडल बहुत अच्छा है। और सर, इसमें लागत कितना आया है? जीरो सर। जीरो ना, एक रुपए, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है खरीदा नहीं गया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये पुट्ठा किसका है? ये जो है अपना शादी गिफ्ट का, शादी कार्ड का है, शादी कार्ड है। ओके ओके, अपना जब शादी के लिए कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत अच्छा मॉडल है सर। और दूसरा मॉडल बताओ सर, कौन सा वाला? ये वाला। हाँ, इसको पकड़ के बताओ, ऐसे इसको पकड़ो ना, बताओ ना, इसको ऐसे ही बताएंगे ना? हाँ ना, तो समझ आएगा ना, जैसे इसमें क्या बताएंगे। हाँ, मतलब तीनों के नाम इंग्लिश में और हिंदी में। हाँ, और ये बच्चों को हम देंगे जोड़ने के लिए, है ना, कि कौन सा दिन किनके साथ मैच कर रहा है। जैसे आप ऐसे कर दिए सैटरडे, अब इसमें कहाँ लिखा है शनिवार, बच्चों। हाँ 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 हाँ, वही तो बोल रहा हूँ। हाँ ठीक, ऐसे घुमाएंगे जैसे। हाँ हाँ ऐसे करेंगे। हाँ हाँ ठीक ठीक। और ये मज़ेदार खेल है, मतलब एक प्रकार से पढ़ाई। हाँ ठीक ठीक।
ये तो हो गया, बहुत अच्छा है इंग्लिश और हिंदी का। ये और गणितीय संक्रिया है इसमें, चार है, और गुणा का चिन्ह है, दो है, तो दो है, तो इसको गुणा करेंगे ना, तो ये ना बराबर कितना हो जाएगा, इसको हटा देते हैं तो ये आठ हो जाएगा। तो उसमें केवल एक अंकों का संख्या ही गुणा है ना, मतलब दो अंक कभी कर सकते हैं, दो अंक करेंगे ज्यादा आएगा, इधर ऐसे हटा देंगे। हाँ नहीं, इसमें केवल दो अंकों का ही आंसर आएगा, 99 तक आएगा आंसर, है ना। जैसे ये आठ है ना, आठ को जोड़ेंगे, आठ पाँच है ना। हाँ जोड़ भी है, मतलब पूरा गुणा भाग जोड़ना। हाँ पूरा संक्रिया है, ठीक, ये भी अच्छा है। इधर आ जाएगा चौदह, ये देखो चौदह अब आ जाएगा यहाँ पे चौदह। हाँ ठीक है। हाँ और ये है पेरिस को, ऊपर के चीज़ों को जहाँ पर ना पहुँच सके। हाँ 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 और इसका क्या है, ये उनका ये जोड़ और घटाने की संक्रिया बता। वो तो समझ गया हूँ, हाँ चूड़ी वाला है ना, अच्छा वाला देखो। आ रहा है थोड़ा सा मुख्य रूप से दर्पण का खेल है। हाँ हाँ और इसमें सभी अक्षर लगाते जाएंगे इसमें। हाँ, अभी केवल का है। हाँ, हाँ, ठीक ठीक। ये वाला क्या है, ये वाला ये सर जोड़ और घटाओ की संक्रिया को हम प्रैक्टिकली बच्चों को बता सकते हैं। जैसे हम अपन जोड़ करते हैं तो यहाँ पे अपन दो जितना संख्या हम लेते हैं। हाँ, यहाँ पे जैसे बहुत सारी संख्याएं हैं। हाँ, जिस भी संख्या का जोड़ हमको करना है उसको यहाँ पे लगा देंगे। टीचर पहले ये काम करेगा। हाँ, अंकों को टीचर लिखेगा। हाँ, और स्टिक को बच्चे करेंगे। स्टिक वाले कौन, इसको टीचर लिखेगा, फिर उसके बाद देख के उतना स्टिक डालेंगे, है ना। चार स्टिक यहाँ लिख दिया टीचर, तो चार स्टिक यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे जैसे दो लिखे हैं तो दो स्टिक डालें, यहाँ पे जैसे चार है दो चार को हमको प्लस जोड़ना है तो यहाँ पे चार स्टिक यहाँ पे डालेंगे। अभी कितना हुआ, एक साथ इनको गिनेंगे। हाँ, इसके बाद गिनना नहीं, इसमें डालना है। हाँ डालना तो है, लेकिन आंसर कैसे आएगा तो गिनेंगे फिर। तो यहाँ पे कितना है, छह है। अब ये स्टिक पहले से नहीं लगा रहेगा, इसको बच्चे लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। लगा देंगे, मतलब ये दोनों काम केवल टीचर करेगा, स्टिक डालने का काम बच्चे का, और यहाँ पर जो संख्या आएगा वही बच्चा करेगा, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। समझ जाने के बाद हाँ हाँ खुद करेंगे। हाँ हाँ, इसको छोड़ दो खुला, ये बहुत ही उपयोगी। और सर ये वाला है, ये वाला इसमें सर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब सारे मिल जाएंगे। इसे खोलते जाएंगे, इस माय बुक। अब इसी में अगर इसको बंद कर दिए सर, दूसरा भी खोलेंगे तो दिस सेकंड रो में चले गए। ये इसमें कोई भी खोल सकते हैं, दिस इज, अगर थर्ड रो खोलना तो यहाँ भी खोल, दिस इज योर, और आखिरी भी खोल सकते हैं डॉट। मतलब कि इसमें बच्चा जो है कोई भी मतलब एक लाइन से बहुत सारे सेंटेंस बनेगा, बहुत सारे सेंटेंस बनेगा, और कोई भी लाइन को खोलेंगे तो सेंटेंस सही बनेगा, सही बनेगा। कोई भी लाइन खोलिए, जैसे बीच का भी खोल दिए, और इसका ऊपर का खोल दिए, इसका नीचे का खोल दिए, जैसे इसका नीचे खोलो, जैसे देयर, फिर इसका बीच का खोलो, देयर विल बी योर पेंसिल, ठीक, मतलब बीच में इट, हाँ, और यहाँ खोल दिए, एकदम बेस्ट है, मस्त है।